पीपल, सो आज संडे है और हम लोग करने निकले हैं कैंपस टूर। एंड मेरे साथ मेरा कोई दोस्त नहीं है बिकॉज सब कपड़े धो रहे और बाल धो रहे, तो आज मैं अकेली ही लेट्स डू दिस। और आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एज यूजुअल। हैव फन। Go in. Hello. ये था गेट नंबर 2 और ये है इको पॉइंट। इसके एकदम बीच में आके इफ यू क्लैप इको होता है। शाम को मस्त लाइट फाउंटेन या और फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये था जब डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के टाइम इसको लगाया गया। यप, नए नए रोड्स बने हैं और ये है एफएल बिल्डिंग चूकी। यप, सारे फॉरेन लैंग्वेजेस के क्लासेस इधर ही होते हैं और हिंदी के भी। और ये दो नमूने। अब आगे चलते हैं। एंड वो एक्शन ग्रुप वाला गाड़ी, पता नहीं उसका क्या होता है, ये पूरा फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट। और इस साइड है साइकिल स्टैंड, गाड़ी स्टैंड। ये साइकिल्स अगर इशू करने हैं आपको तो आपको आपका कुछ आईडी प्रूफ देना पड़ता है और शाम के 6 बजे से पहले उसको डिपॉजिट करना होता है, जैसे आधार कार्ड। फिर हम लोग आगे जाएंगे और ये वाला बिल्डिंग है डिस्टेंस वालों के लिए, स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है ये बिल्डिंग। कुछ क्लासेस होते हैं इसमें, मेरे नहीं, मेरे दोस्तों के, और डिस्टेंस वालों का मोस्टली इधर ही सब कुछ। और इस तरफ है सागर स्कूल के लिए रास्ता, कोजी सा रास्ता। ये वाला जेरोक्स दुकान जो अभी तक नहीं खुला कोविड के बाद से। और आज सागर स्टोर बंद है बिकॉज संडे है। बाकी इधर ये हम लोग का फेवरेट स्पॉट, फेवरेट ये लाइब्रेरी है, तो इधर से पास होता है चाय कॉफ़ी ब्रेक के लिए। ये ऊपर रीडिंग रूम, उधर से भी इजी होता है। और ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर, ये कॉलेज का कैंटीन जो कि बंद है, और वो लाल वाला सा मैगी पॉइंट जो कि बंद है। बाकी ये पीछे खोपचा भी है, बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं और बाकी बहुत कुछ। ये हम लोग का फेवरेट स्पॉट, हर क्लास के बाद प्रोफेसर खुद छुट्टी देते हैं 5 मिनट, जाओ चाय पी के आ जाना सागर से। ऐसे ही हेलो। ये लाइब्रेरी के तरफ रास्ता, और मुझे मेरी रूममेट दिख रही है जो कि छुपने की कोशिश कर रही है। हम चलते हैं एनएबी की तरफ। लाइब्रेरी से ठीक ऐसे राइट में ये छोटू सा गार्डन लाइब्रेरी वालों का, फाउंटेन। और ये कैंपस प्लानिंग डेवलपमेंट का ऑफिस, काउंसलिंग सेंटर और बाकी बहुत कुछ। और ये है
पब्लिकेशन रूम और म्यूज़िक रूम। म्यूज़िक रूम अभी बंद होगा, पर हाँ इसके अंदर जाके ऐसे ऊपर जाने से म्यूज़िक रूम, और बाकी फिर क्लासेस की तरफ चलते हैं। क्लासरूम शायद बंद हो। ये है न्यू एकेडमी ब्लॉक NAB। सारे क्लासेस ऑलमोस्ट इधर होते हैं, सारे क्लब एक्टिविटीज इधर होते हैं। ये ऊपर और ये नीचे। दो लिफ्ट्स हैं, बिकॉज प्रोफेसर से ज़्यादा तकलीफ हम लोगों को होती है सीढ़ियाँ चढ़ने में। और ये NAB का ग्राउंड फ्लोर, जिधर ऑलमोस्ट सारा कुछ होता है, सारे क्लब एक्टिविटीज से लेके सारे मीटिंग्स सब कुछ। हेलो, कैसे हो आप? अब हॉस्टल में नहीं दिखते अब। आज के लिए बस कैंपस टूर, तो NAB टूर मैं बाद में कभी करूँगी। NAB अपने में ही एक और ही दुनिया है, सुंदर सुंदर फ्लावर्स और बहुत हरियाली। इस तरफ जाने से एडमिन ब्लॉक, जो कि इस तरफ जाने से भी मिल जाएगा। ये है DC's lawn. जितने VC कंडक्ट करते हैं सारे बच्चों को, आज खाना देना है, आज ये करना है, वो करना है, सब VC's lawn में ही होते हैं। और द बेस्ट पार्ट VC lawn का, ये ऊंचा सा फ्लैग जो कि बहुत ऊंचा है, और जब शाम को हवा चलती है और ये फ्लैग उठता है, उफ हाय। ओके, अभी सो गया है थोड़ा, पर सुंदर लगता है। ये है DC लॉन। आज संडे सब बाहर होंगे शायद, इसीलिए कैंपस थोड़ा मरेला जैसा है, पर बाकी नहीं तो इट्स नाइस। फिर एडमिन ब्लॉक की तरफ चलते हैं। हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ये EFLU लिखा है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी गार्डनर्स अन्ना का। ये है एडमिन बिल्डिंग, एकदम भूल भुलैया है, कभी कुछ नहीं मिलता इसके अंदर, और सारे ऑफिसेस इधर ही। ये कैंपस का SBI ATM और ये COE ब्लॉक। इधर सब खिड़की पे काम होता है, पार्किंग लॉट। और ये है EMMRC, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। इधर हमारे फिल्म स्टडीज वाले क्लास होते थे। कैंपस बहुत ज़्यादा पीसफुल, और संडे को सब बाहर निकल जाते हैं, इसलिए और ज़्यादा पीसफुल। ये यूनिवर्सिटी का बस, ये पार्किंग लॉट, प्रोफेसर्स VC उसकी गाड़ियाँ इधर ही रहती हैं, एम्बुलेंस सब कुछ। और फिर आगे ये है यूनिवर्सिटी के ड्राइवर अन्ना लोगों का रूम। कॉमेडी तब लगता है जब इत्तू से कैंपस में डिलीवरी वाले खो जाते हैं, सो स्विगी ज़ोमैटो मिंत्रा सब कुछ आता है इधर, पर यही है कि वो लोग खो जाते हैं। और ये है अम्मा, क्लीनिंग अम्मा, जो कि बहुत मेहनत करते हैं।
दिन।